लॉन्ग ड्राइव पर जाने का किसको शौक नहीं होता, और खास तौर पर अगर आप वेकेशन पर जा रहे हो और अपनी गाड़ी से लॉन्ग ट्रिप पर जा रहे हो तो उसका मजा तो अलग ही होता है। एडवेंचर, फन, मस्ती करते हुए, गाने सुनते हुए आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में बैठकर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर जाते हैं। लेकिन अगर गाड़ी जो है वो कंफर्टेबल नहीं होती है तो उस जर्नी में भी जो है मजा सा नहीं आता। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 5 ऐसी गाड़ियां जो कि स्पेशली लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग जर्नीज के लिए बेहद अच्छी रहती हैं। तो सबसे पहली गाड़ी है टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। वेल, आपने देखी होगी कि कई लोग कैब में भी इस गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली लॉन्ग रूट्स के लिए, क्योंकि ये बेहद कंफर्टेबल होती है। वेल, इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 2.4 लीटर का टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन लगा हुआ है। साथ साथ इसका माइलेज भी काफी अच्छा होता है, लगभग 16 किलोमीटर्स का आपको इस गाड़ी में माइलेज मिल जाता है। वहीं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहद अच्छी है और सीटिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 7 से 8 लोगों की हो जाती है, तो ये लॉन्ग रूट के लिए गाड़ी बेहद अच्छी है। वहीं दूसरी गाड़ी की बात करें तो दूसरी गाड़ी, अगर आपको लॉन्ग रूट्स पर आप बहुत ज़्यादा जाते हैं तो आप टाटा सफारी के लिए जा सकते हैं। वेल, इस गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो इसमें 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है और इसके माइलेज की बात करें तो ये भी लगभग 16 से 17 का एवरेज जो है वो लगभग दे ही देती है, तो लॉन्ग रूट्स के लिए काफ़ी अच्छा एवरेज इसको माना जाएगा। वहीं फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है और इस गाड़ी की भी सीटिंग कैपेसिटी जो है वो लगभग 7 लोगों की है। वही अगली गाड़ी जिसको आप खरीद सकते हैं वो है MG की ग्लॉस्टर। वेल, MG जो है वो मार्केट में काफ़ी जोर शोर से आगे बढ़ रही है और ये गाड़ी भी जो है बेहद खास है। वेल, इसके इंजन की बात करें तो इसमें भी 2 लीटर्स का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन है। वहीं इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो इसका माइलेज खास तौर पर इतना ज़्यादा नहीं है, 13 से 14 का माइलेज उसका आपको लॉन्ग रूट पर मिल जाता है। तो ये गाड़ी जो है सीटिंग वाइज भी 7 सीटर है, SUV कैटेगरी में आती है। तो अगर आप लॉन्ग रूट्स पर ले जाना चाहते हैं तो आप MG की ग्लॉस्टर को जो है एक थॉट जरूर दे सकते हैं। वेल, अब नेक्स्ट गाड़ी जिसकी मैं बात करने वाली हूँ, अगर उसको मैं इस लिस्ट में नहीं ऐड करूंगी फिर तो बिल्कुल ही बेकार है। तो मैं बात कर रही हूँ महिंद्रा की XUV 700। वेल, ये इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग SUVs में से एक है। इसकी भी सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अंदर से काफ़ी स्पेशियस है, लगभग 7 से 8 लोग जो हैं वो इस गाड़ी में आराम से बैठ जाते हैं और ख़ास तौर पर लॉन्ग रूट्स के लिए तो ये बहुत अच्छी है, फैमिली कार भी इसे कहा जाता है। वहीं इसकी इंजन की बात करें तो इसमें 2.2 लीटर का टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन है। वहीं खास तौर पर इस गाड़ी का माइलेज जो है वो हाईवेज पर बहुत अच्छा है, 16 से 17 किलोमीटर्स का आपको माइलेज मिल जाता है। फ्यूल कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये थी कुछ कार्स जो कि आप लॉन्ग रूट पर अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर घूमने फिरने का अगर प्लान बना रहे हैं तो आप इन गाड़ियों को प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये गाड़ी नहीं है, आप कोई कैब हायर करने वाले हैं, तो इनमें से आप गाड़ी सेलेक्ट करिए, आपको बहुत कंफर्टेबली आपकी जर्नी जो है वो पूरी हो जाएगी एडवेंचर, फन, मस्ती के साथ। वेल, वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं। वहीं बाकी ऑटो ट्रैवल से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप trends9.com पर लॉग इन कर सकते हैं, साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।